मंजूषा लेआउट निवासी रामदास शंकर भुसारी ने प्रेस वार्ता कर मांग की कि जो ट्रैक्टर वह मेरे साथ ले गया था वो मुझे लौटा दिया जाए। प्रेस वार्ता में रामदास भुसारी ने बताया कि वे वेकोली के कर्मचारी हैं और साल 2018 में उन्होंने खेती के लिए जैन डियर 5045 कंपनी का नया ट्रैक्टर खरीदा। क्या वे मुझे ट्रैक्टर किराए पर देते हैं? पूछने पर मैंने उनसे कहा कि मैंने किराए के लिए नहीं बल्कि अपने खेत के लिए ट्रैक्टर किराए पर लिया है। इसके तुरंत बाद तीन लोग अगले दिन घर लौट आए। इस बार बाकी दोनों ने मेरे बेटे को पी लिया था, तो लड़के ने मुझे ट्रैक्टर किराए पर नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही 30,000 रुपए मासिक किराया देने को राजी होकर तीनों ट्रैक्टर लेकर चले गए। उसके बाद उन्होंने किसी स्टैम्प पेपर पर मेरे हस्ताक्षर लिए और आपसी बिक्री पत्र लिखा। हम अपना ट्रैक्टर वापस ले आए क्योंकि हमें कोई किराया नहीं मिला। जब उसे वापस लाया जा रहा था तो आपको भी धक्का दिया गया था, भुसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसा आरोप लगाया। इसके बाद ट्रैक्टर को दोबारा निकाला गया। आपको पता नहीं था कि वह कहाँ था? जब लड़के से इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि यह वरोरा तालुका के मऊजा मुराद गांव के विनोद केशव चांडेकर का है। चांडेकर ने स्टैंड लिया कि जब तक अविनाश को दिए गए 2 लाख रुपए नहीं मिल जाते तब तक मैं ट्रैक्टर नहीं लौटाऊंगा। मी सही कोया स्टाम्प आणि स्टाम्प मला काही माहीत नाही। मी तुम्हाला उद्या ऑफिसमध्ये बोलावतो, तुमच्यासमोर जे काही लिहायचं आहे ते लिहितो आणि नंतर तुम्हाला महिना सुरू करतो। असे त्यांनी म्हटलं, तर तुम्ही मान्य नाही केल्यास मी पोलिसात तक्रार करून तुम्हाला कारवाई करेन। कारवाईची जबाबदारी सर्वस्व तुम्हावर आहे। हालांकि भुसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनके बेटे ने चांडीकर से केवल 25,000 रुपए लिए थे। भुसारी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर आपको ट्रैक्टर वापस नहीं मिला तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। संपर्क करने पर विनोद चांडीकर ने कहा कि उन्होंने अविनाश को 2 लाख रुपए का भुगतान किया था और दावा किया था कि उनके पास घटना के 5-6 गवाह थे। साथ ही आप विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते बल्कि अविनाश और उसके पिता के साथ बैठकर विवाद को सुलझाना चाहते हैं। मुझे मेरे पैसे मिले और कहा कि मैं ट्रैक्टर लौटा दूंगा। चांडेकर ने यह भी कहा कि स्टैम्प पेपर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने भुसारी को पहले ही बता दिया था कि स्टैम्प पेपर पर क्या लिखा है।